दरभंगा जिला में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कब कहां घटना घट जाए कोई नहीं जानता है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह हायाघाट थाना क्षेत्र के गांव बासडीह बेता निवासी मोहम्मद शब्बीर नामक युवक के साथ उसी गांव के कुछ युवक ने मारपीट किया एवं चाकू की नोक पर उसके साथ लूटपाट किया। करीब आधा दर्जन के संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के युवक ने इसके साथ मारपीट किया बल्कि रुपया भी छीन लिया एवं चाकू से घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज DMCH में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल युवक की मां एवं बहन ने दी घटना के संबंध में जानकारी। बताया कि हमारा भाई शब्बीर बालू सीमेंट के दुकानदार को पैसा देने के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व के लड़के ने घेर कर हमारे भाई के साथ मारपीट किया एवं चाकू से घायल कर 50,000 रुपये एवं मोबाइल छीन लिया। घायल युवक की बहन ने बताया कि हमारा भाई उन 4 लड़कों का नाम भी जानता है जो इसके साथ मारपीट किया। लड़कों को हमारा भाई जानता है जिसका नाम मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद साहिद का नाम उसकी बहन ने बताया। समाचार लिखे जाने तक घायल युवक का इलाज DMCH में चल रहा है। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएँ घट रही है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पीड़ित युवक की बहन एवं उसकी मां ने क्या कही सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा के साथ आप DMCH आए हैं। मेरा भैया पैसा देने के लिए जा रहा था बालू गिट्टी वाला को, बस भैया को बीस गिट्टी में पकड़ करके 6-7 लड़का पकड़ा, उसके बाद मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, बुरा तरीका भैया को मारा और उसको मार करके चाकू दिखाया, बंदूक दिखा रहा था। आज जैसे वहाँ पर 2-4 घर है उन लोग को पता चला, उतना देर में लोग फिरार हो गया था। कौन है वो 6-7 लड़के? 6-7 लड़के है, उसमें से 4 लड़का को हम नाम जानते हैं, 3 लड़का को भैया नहीं देख पाए अच्छा से। 4 लड़का का नाम है मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद साहिद। इन लोगों का घर कहाँ है आपके घर से? थोड़ा सा हमारे घर से हटके है, बेंते में है। किसी बात का दुश्मनी था क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या करता वो लोग, वो चारों पांचों लड़का क्या करता है? कुछ पता नहीं करता। अच्छा, कोई काम नहीं करता? कोई आपके भाई से किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं था? कोई दुश्मनी नहीं थी भैया से। हमारा बच्चा उसको साथ रहता है। अचानक भैया के साथ ऐसी हुआ। अचानक से हुआ ये? हाँ, अचानक हुआ। क्या नाम है आपके भैया का? मोहम्मद सफी। पिताजी का नाम? मोहम्मद मोतीपुर। कहाँ घर? घर कहाँ है? बालडी बेता। पंचायत? चकवा। थाना? हायाघाट। जी, आपके बेटे के साथ जो हादसा हुआ जहाँ पे कुछ लूटमार भी हुआ है क्या? और पैसा वैसा था इसके साथ में, सब कुछ ले लिया, चाकू मार दिया, वो बंदूक दिखाया जो बोलू नहीं देगा पैसा तो मार देंगे जान। 5-6 लड़का था, 2-4 का छीना, हम लोग कोई कत्तो नहीं था, गाछिया वहाँ पे। अच्छा, पानी उनी बरसा का लगा हुआ है, ये जा रहा था वो तो समझिए कि 2-4 अगल बगल में घोड़ा हल्ला हुआ जो इतना पर छोड़ भी दिया, तो अगर दूर दराज में पकड़ा था तो बुझिए कि जो खाते में कर देता सर ऐसा। कितना पैसा लूटा गया इनके पास? 50,000। और भी कुछ चीज? और मोबाइल भी था। मोबाइल भी लेके लोग फरार? मोबाइल भी था सर। कौन लोग थे वो लोग? वही हमारे गाँव का पड़ता, 4 लड़का को तो चिन्हते हैं, बता रहा थोड़ा तारा आवाज लड़का दे रहा है। क्या नाम है चारों? वही जो हम दिल सहूलियत में नहीं है बाबू, बुला जाते हैं। आपका क्या नाम है? नजीमा खातून। बहुत परेशान हम बच्चा के बहाल दे कर को। कहाँ घर हुआ? बास टीवी था।